हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जी हाँ CPCB में जो ऑनलाइन अप्लाई किए हैं। तो मैं आज आप लोग को बता दूं, मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में यदि आप लोगों ने लोअर डिवीजन कलर के लिए अप्लाई किया है तो मैं आज आप लोगों के लिए उसका जो है सिलेबस लेके आया हूँ। क्या है उसका सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है सिलेबस, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो सके। ये सिलेबस मैं स्पेशली आप लोगों के लिए ही लेके आया हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये PDF है जिसमें कि उन्होंने रिटर्न एग्जाम की जानकारी दी हुई है। इसके अलावा कुछ सेंटरों की जानकारी दी हुई है जितने बच्चे एलिजिबल हुए हैं। ये पुराना PDF है जी हाँ, पुराना PDF है 2016 में जो बच्चे सेलेक्ट किए गए थे रिटर्न एग्जाम के लिए और क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस था और क्या जो इसमें सब्जेक्ट्स वगैरह आने वाले थे, मीन्स पूरी जानकारी इन्होंने अपने इस PDF में दी हुई है जो कि मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है ये PDF। इसमें आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं इसमें रिटर्न एग्जाम के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा सेंटर इसके आप लोग के कई सेंटर पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो देखा होगा दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, भोपाल, बेंगलुरु और इसके अलावा एक दो सेंटर और हैं जैसे वडोदरा और शिलांग। ठीक है, इसमें साइड में आप लोग यदि क्लिक करते हैं तो आप लोग को जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इन सेंटरों के लिए एग्जाम देने के लिए उनकी जानकारी दी हुई है। और इसके बाद नीचे जैसे ही आप लोग आते जाएंगे तो इसमें और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं कॉल लेटर से रिलेटेड, यानी कि एग्जाम देने से रिलेटेड कि कैसे आप लोग को एग्जाम देने जाना है, किस प्रकार से और क्या क्या चीजें लेके जानी है, क्या चीजें लेके नहीं जानी है। ठीक है, नो DATA वगैरह आप लोग को कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और इसमें जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं इसमें इस PDF में नीचे इन्होंने अपना जो है सिलेबस के बारे में भी बताया हुआ है सभी को। तो इंडिकेट सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजन क्लर्क LDC क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा आप लोग का। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा आप लोग को सिलेबस दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा और जो आप लोग के सब्जेक्ट आने वाले पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में जो आप लोग का जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब आप लोग का यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग आएंगी, जनरल इंग्लिश आएगी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के आने वाले। सभी सेक्शन में आप लोग के 50-50 क्वेश्चन आएंगे और यानी कि टोटल आप लोग के 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 क्वेश्चन आप लोग के 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग का एक मार्क्स का होने वाला है। और इसमें आप लोग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें आप लोग की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर मत दीजिएगा जिसका कि आप लोगों को आंसर ना पता हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मीन्स एक क्वेश्चन जो आपको आप लोगों गलत है वो गलत हो गई होगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन जो आप लोगों का सही है उसका 1/4 मार्क्स आप लोगों का काट लिया जाएगा। ड्यूरेशन आप लोगों का 2 आवर्स रहने वाला है, मींस 120 मिनट में आप लोग को 200 क्वेश्चन करने हैं, तो पेपर काफी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आप लोग का इसका होगा, इसमें आप लोग का रिटर्न होगा जैसे कि आप लोग को सिलेबस दिखाई दे रहा है। रिटर्न के बाद आप लोग का इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा जी हाँ, टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें कि आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग है। मींस आप लोग हिंदी में देना चाहे हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहे इंग्लिश में दे सकते हैं। यदि इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप लोग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में देना चाहते हैं तो आप लोग 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आप लोग की स्पीड रहने वाली है। तो आप लोग देख लेंगे आप लोग किसमें टाइपिंग देना चाहते हैं। ठीक है, ये आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद आप लोग का जो इंटरव्यू है इसमें आप लोग का इंटरव्यू होगा, मींस रिटेन और टाइपिंग प्लस इंटरव्यू, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। अब मैं आप लोग को जो सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चैप्टर आप लोग के आएंगे इसकी जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले जो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का आप लोग के इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो इसमें आप लोग की इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जनरल साइंस, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक्स, मीन्स करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोग को। और इसके अलावा अवार्ड है ऑनर्स और साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। एक दो बुक्स एंड ऑथर के भी 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे स्टैटिक जी के। ठीक है, ये आप लोग का जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया जिसमें कि आप लोग के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आप लोग का एरर स्पोर्टिंग, फिल इन दी ब्लैंक्स, पैरा जम्बल्स और क्लोज टेस्ट, सिनोनिम एंटोनिम्स आप लोग की आएगी इसमें, फ्रेज ईडियम्स यानी कि ईडियम आएगी आप लोग की और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगी और स्पेलिंग मिस
स्पेल्ड वर्ड यानी कि आप लोग की स्पेलिंग और मिस स्पेल्ड वर्ड्स की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन भी आप लोग के आने वाले हैं। पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चन भी आप लोग के आएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोग के आने वाले हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस आने वाले हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन के क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे आने वाले हैं। चलिए और इसमें जो नीचे है आप लोग का इंग्लिश में ही, इंग्लिश के बाद जो आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस हो गया, इसके बाद आप लोग का आएगी बारी जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के अंतर्गत आप लोग की जो लॉजिकल रीजनिंग मीन्स वर्बल नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग आप लोग की आएगी। इसके अंतर्गत आप लोग की एनालॉजी और सिंबॉलिक ऑपरेशन, सैम्पलिंग नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स के क्वेश्चन आएंगे और फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सीमेंटिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी आप लोग को इसमें मिलने वाले हैं और सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आप लोग का ड्राइंग इन्फ्रेंस के क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अलावा फिगरल क्लासिफिकेशन के पंच डोहॉल और पैटर्न फोल्डिंग अनफोल्डिंग के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। सीमेंटिंग सीरीज के क्वेश्चन आप लोग को इसमें मिलने वाले हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आप लोग के इसमें आएंगे। एंडेड फिगर के क्वेश्चन आएंगे, फिगरल सीरीज के क्वेश्चन आएंगे और इसके अलावा जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंसी के क्वेश्चंस भी आप लोग के इसके अंतर्गत आने वाले हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो वर्ल्ड बाइन बिल्डिंग और सोशल इंटेलिजेंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड अदर सब टॉपिक्स आप लोग के इसमें आएंगे। तो ये आप लोग का रीजनिंग का पार्ट भी हो गया। इसके अलावा जो आप लोग का क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इसके अंतर्गत आप लोग का कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे आप लोग के, निश्चित आप लोग के दो क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड शॉर्ट एंड इंडेक्स के क्वेश्चन आप लोग के जरूर मिलेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आप लोग को एवरेज या एवरेज के क्वेश्चन आएंगे, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे इसमें जरूर, मेंसुरेशन में आप लोग का सिलेंडर कौन स्पीयर के क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाले हैं। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे और इसमें जो नेक्स्ट है वो आप लोग का परसेंटेज या परसेंटेज के क्वेश्चन भी आप लोग को इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग का नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में से आप लोग को जरूर क्वेश्चन मिलेगा, सीक्वेंट एंड सीरीज, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आप लोग को इसमें मिलने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में से भी आप लोग के दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके बाद जो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप लोग को इसमें मिलने वाले हैं। तो ये मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है, आप लोग ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का पूरा जो ये सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस सीरीज और मैथ और इंग्लिश और जनरल नॉलेज का, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं आने वाला। फ्रेंड्स कुल मिला के मैंने पूरी जानकारी दे दी है आप लोग को। सीपीवीसी सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर लोअर डिवीजन कलर का आप लोग का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट है, क्या उसके चैप्टर है, पूरी जानकारी आप लोग को दे दी है। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी जाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को दबाइए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।